ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚ ਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਦ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਂਪਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ सुनील जाखड़ के अस्तीफे दीयां चर्चावां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी नसीहत बोले जाखड़ नूं पार्टी च रहना चाहिदा है जल्द करांगा मुलाकात भारत कैनेडा तलखी ते बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्रूडो दे इल्जाम वोट बैंक दी पॉलिटिक्स पंजाबियों दी वोट लई भारत ते लाए जा रहे नी झूठे इल्जाम अस्तीफा मंगण वाले पार्टी सांसदां नूं ट्रूडो दी दो टुक कहा किसी भी कीमत ते नहीं हटांगा पिछे अगलियां चोणां तक बणिया रहांगा लिबरल पार्टी दा प्रधान कैनेडा तो वापस बुलाए गए भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा का ट्रूडो सरकार से वड्डा इल्जाम कहा कैनेडा ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम वांटेड लिस्ट तो हटाया मूसेवाला कतलकांड मास्टरमाइंड है गोल्डी कैनेडा च स्टूडेंट्स लैके भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा का सनसनीखेज खुलासा कहा कैनेडा च भारतीय स्टूडेंट्स फसा रहे खालिस्तानी गैर खालिस्तानी से हो रहे अटैक निजर कत्ल कांड से भी बोले भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा कहा कैनेडा दे इल्जाम सियासत तो प्रेरित कत्ल कांड च भारत दा हाथ नहीं संजय वर्मा दा एक होर वड्डा खुलासा बोले अल्बर्टा च खालिस्तानिया ने मेरे ते मेरी पत्नी ते कीता हमला तलवारा नाल लैस सन हमलावर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ते एनआईए दा शिकंजा अनमोल बिश्नोई ते ऐलानिया 10 लाख रुपए का इनाम बाबा सिद्दीकी कतलकांड च ऐलानिया सी आया सी नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 13 साल बाद राहत 2011 के सब तो पहले केस च कोर्ट ने किया बरी विद्यार्थी के घर च वड़ के फायरिंग का सी इल्जाम अतवादी अर्श डल्ला दा करीबी गिरफ्तार दिल्ली एयरपोर्ट तो एनआईए ने बलजीत सिंह मौर नूं किया काबू दुबई तो परत्या सी भारत साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चाहल खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कोर्ट ने विजिलेंस नूं 28 अक्टूबर तक पेश करन दे दिते हुकम आमदन तो वध जायदाद दा है मामला 1984 दे सिख विरोधी दंगिया दे मामले च कांग्रेसी आगू सज्जन कुमार दे खिलाफ पूरी सुनवाई स्पैशल जज ने सारियां धिरां नूं 2-3 दिन च लिखती दलील दायर करन दे दिते हुकम 8 नवंबर नूं होवेगी अगली सुनवाई दिल्ली दे सरस्वती विहार च 1984 दे सिख विरोधी दंगिया च भीड़ नूं उकसाउंदा है इल्जाम एजीपीसी चोणां तो पहलां हरजिंदर सिंह धामी दा गंभीर इल्जाम बोले मैंबरां नूं फोन करके अकाली दल बागियां नूं वोट करन लई दित्ता जा रिहा लालच पंथ नूं हराउण दे लई बीजेपी आरएसएस कांग्रेस ते आप होए इक अकाली दल वालों जिमनी चोणां ना लड़न दे फैसले नूं वलटोहा ने ठहराया सही कहा हुण कई चेहरे होणगे बेनकाब बोले जल्द होर मजबूत होके उभरेगा अकाली दल लुधियाना कोर्ट तो जमानत पटीशन खारिज होण ते हाई कोर्ट पहुंचे भारत भूषण आशू मामले ते सोमवार नूं होवेगी सुनवाई टेंडर घोटाले दे मामले च जेल च बंद ने आशू मोगा दी सस्पेंडेड लेडी एसएचओ अर्शप्रीत कौर गरेवाल दा डीएसपी रमनदीप सिंह ते गंभीर इल्जाम कहा डीएसपी ने दफ्तर च बुला के की छेड़छाड़ एसबीडी बालकृष्ण सिंगला ते भी चुके सवाल सस्पेंडेड लेडी एसएचओ वालों डीएसपी ते इल्जाम लगाउण दे मामले च मोगा एसपीएच गुरशरण संधु दा बयान महिलावां नूं लैके पुलिस विभाग च बनी हुई है स्पैशल कमेटी अर्शप्रीत कौर ने नहीं की कोई शिकायत बिहारी सीजन नूं लैके अलर्ट ते पंजाब पुलिस जलंधर च डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस थाणियां दी कीती चैकिंग सीनियर अफसरां तों लई रिपोर्ट लुधियाणा च डीजीपी गौरव यादव ने उद्योगपतियां दे नाल कीती चर्चा कारोबारियां दीआं सुणियां समस्यावां ते मंगे सुझाव प्रदूषण नूं लैके केंद्र सरकार दी सूबियां नूं चिट्ठी किसानां नूं पराली साड़न तों रोकण लई कीती ताकीद पटाकियां दी वी घट वरतों करन दे हुकम दिल्ली च वादे प्रदूषण कारण सीजीआई चंद्रचूड़ ने बंद की सवेर की सैर कहा खराब हवा कारण हुंदियां ने साह दीआं बीमारियां इसलिए मेरे डॉक्टर ने किया मना
संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। 11 नवंबर को संभालेंगे सीजीआई का अहुदा। 10 नवंबर को सेवा मुक्त हो रहे हैं सीजीआई चंद्रचूड़। बिलासपुर के अरमानप्रीत ने एनडीए नतीजिया च मारी बाजी। मैरिट लिस्ट 641 चो हासिल किया पहला स्थान। गुरदासपुर के पिंड पंडाल का रहने वाला है अरमानप्रीत। त्यौहारों के चलते समाणा के नगर कौंसल समाजिक संस्थावां ते विद्यार्थियों ने सफाई प्रति लोगों नूं कीता जागरूक। आंढ गुआंढ नूं साफ रखने की कीती अपील। डेराबसी के त्रिवेदी कैंप च पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शक्की लोगों नूं हिरासत च लैके कीती पुछगिछ।